नमस्कार, फरीज ओब्लर्ट एजुकेशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं पत्रकार संदीप नोखवाल बताना चाहूँगा कि हिसार तलवंडी राणा रोड विवाद मामले में खट्टर सरकार को फिर से यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि खट्टर सरकार जब से यहाँ पर हरियाणा के अंदर पावर में आई है या जब से हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार आई है यानी बीजेपी सरकार आई है, तब से खट्टर सरकार का विवादों से नाता रहा है। पहले जहाँ स्कूल बंद करने के बाद यहाँ पर आदमपुर हलके के अंदर महोदपुर एंड खैरमपुर के अंदर यहाँ पर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। वहीं पर सरपंचों के ई टेंडरिंग को लेकर भी सरपंच भी लगातार जिला कार्यालयों पर या गांव स्तर पर धरने प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। कहीं पर खेदड़ पावर प्लांट को लेकर, खेदड़ पावर प्लांट की राख को लेकर भी सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन होते रहे हैं। बीजेपी सरकार के अंदर ही किसान सरकार के खिलाफ फसलों के भाव को लेकर भी धरने प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन अगर रिकॉर्ड स्तर देखा जाए तो सरकार अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाई है। हालांकि किसानों के धरने प्रदर्शन के बाद गन्ने के रेट 10 रुपए तक बढ़ाए गए थे, लेकिन नहीं तो स्कूलों को चालू किया गया है, नहीं सरपंचों की मांगों को माना गया है और नहीं किसानों की मांगों को भी माना गया है। इसी बीच बताना चाहूँगा कि एक और नई समस्या खट्टर सरकार ने तलवंडी गांव के ग्रामीणों के लिए खड़ी कर दी है। बताना चाहूँगा कि हिसार तलवंडी में एयरपोर्ट चौक को बंद कर दिया गया है, यानी एक लोकल रास्ता जो तलवंडी से हिसार जाता था उसको बंद कर दिया गया है। अब ग्रामीणों को 5 किलोमीटर ऊपर से बाई सिरसा बाईपास घूमकर आना पड़ता है, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानियों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज़ को लेकर, रोड बंद करने को लेकर ग्रामीण फिर से यहाँ पर तलवंडी राणा या एयरपोर्ट चौक पर इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि ग्रामीण आज से अपना धरना चंडीगढ़ हाईवे पर शुरू कर रहे हैं। ग्रामीण धरने पर आने वाले लोगों की संख्या के आधार पर अगली रणनीति बनाएंगे। हालांकि शुक्रवार को पुलिस के साथ उनकी हल्की झड़प के बाद वे नेताओं के प्रति कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इससे पहले उनका धरना हिसार के एयरपोर्ट चौक पर चलता रहा। प्रशासन ने रात को उखाड़ दिया रास्ता। प्रशासन के रास्ता उखाड़ने को लेकर यहाँ पर गहरे गड्ढे भी खोदे गए, जिसके कारण ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ा। पुलिस ने एक जगह गैस एजेंसी के पास धानसु रोड और दूसरा एयरपोर्ट की पट्टी के पास जहां पर अभी सीमेंटेड दीवार बनाई है वहां पर रोड को खुदवा दिया गया। इस बात की भनक ग्रामीणों को उस समय लगी जब एक करीब रात 1 बजे कुछ लोग अपने घरों को वापस जाने लगे थे। दिल्ली हाईवे को कुछ मिनटों के लिए बंद कर दिया गया। बता दें कि शुक्रवार दोपहर को ग्रामीणों ने हिसार आकर दिल्ली हाईवे को कुछ मिनट के लिए बंद कर दिया गया। इससे पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। पुलिस ने ग्रामीणों को हटाया और रास्ता चालू किया। इसको लेकर ग्रामीण धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज HBN 24 के साथ। जय हिंद।